please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं हरीन। सुबह हो या शाम, खबर घटे सरेआम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 16 दिन बढ़ोतरी होने के बाद महज एक पैसे की कटौती को विपक्ष ने देश की जनता के साथ बड़ा मजाक बताया। दिल्ली के मालवीय नगर में एक रबर के गोदाम में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और वेतन में 2% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव से नाराज देश भर के 10 लाख बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर गए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इलाके के लोग हाथों में लाल झंडे लिए नारेबाजी करने लगे। इन लोगों का आरोप है कि शिमला में पानी की भारी किल्लत के बावजूद सरकार खामोश है और शिमला के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इसी के विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। जनता मांगे पानी, 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 मांगे पानी, पानी। आम लोगों के इस प्रदर्शन को सीपीएम का समर्थन भी मिला। इस दौरान सड़क पर जमकर हंगामा हुआ और पानी की किल्लत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। पुलिस भी मांगे पानी, पानी, मांगे पानी, पानी, मांगे पानी, पानी। लोगों का आरोप है कि काफी दिनों से शिमला के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। शहर के अंदर पीने के पानी को लेकर ट्राई, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां पर जो है प्रॉपर पीने की सप्लाई हो। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और भारी तादाद में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। लेकिन पानी की किल्लत झेल रहे लोगों का गुस्सा इतना भड़का हुआ था कि उन्होंने पुलिस की मौजूदगी को भी नजरअंदाज कर दिया। शिमला की सड़कों पर सुबह से शुरू हुआ हंगामा देर शाम तक जारी रहा और प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क पर ही नारेबाजी करते रहे। इस बीच कुछ लोगों ने सचिवालय का घेराव करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया और बीच रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग वहीं खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। शिमला की जनता पानी मांगे, पानी मांगे, पानी मांगे, शिमला मांगे पानी, 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 पानी तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इस प्रदर्शन के समय कुछ लोग शहर के अंदर पीने के पानी को लेकर ट्राई, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां पर जो है प्रॉपर पीने की सप्लाई हो। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और भारी तादाद में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। लेकिन पानी की किल्लत झेल रहे लोगों का गुस्सा इतना भड़का हुआ था कि उन्होंने पुलिस की मौजूदगी को भी नजरअंदाज कर दिया। शिमला की सड़कों पर सुबह से शुरू हुआ हंगामा देर शाम तक जारी रहा और प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क पर ही नारेबाजी करते रहे। इस बीच कुछ लोगों ने सचिवालय का घेराव करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया और बीच रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग वहीं खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। शिमला की जनता पानी मांगे, पानी मांगे, पानी मांगे, शिमला मांगे पानी, 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 पानी तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इस प्रदर्शन के समय कुछ लोगों ने सचिवालय की तरफ जाने वाली सड़क को भी जाम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि शिमला के कई इलाकों में तकरीबन 3 घंटे तक ट्रैफिक रुक गया। लोग सारे परेशान है, ये बस ड्राइवर है, इनके घरों में भी पानी नहीं है, सवारियां बैठी है, इनके घर में भी पानी नहीं है। इस बीच सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कई लोगों की वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी झड़प भी हुई। हालांकि पुलिस के काफी समझाने के बाद प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क से हटने को तैयार हो गए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सफेद कपड़े से अपना चेहरा ढका एक आदमी एक दुकान के अंदर घुसा और वहां बैठे कैशियर पर पिस्तौल तान दी। आरोप है कि नकाबपोश बदमाश कैशियर से तकरीबन 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया, लेकिन उसकी ये करतूत वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि सफेद कपड़े पहना एक आदमी हाथ में तमंचा लेकर इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में घुसा। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए एक सफेद कपड़ा मुंह पर बांधा हुआ था और नीले रंग का एक बैग भी आगे लटकाए हुए था। इसके बाद नकाबपोश आदमी ने वहां बैठे कैशियर पर पिस्तौल तान दी और उसे डराने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद सहमे हुए कैशियर ने लॉकर से नोटों की कुछ गड्डियां निकालकर मेज पर रख दी, जिन्हें बदमाश ने उठाकर अपने बैग में रख लिया और हथियार के दम पर कैशियर को धमकाता हुआ वहां से फरार हो गया। इंश्योरेंस फर्म में एक बदमाश ने उसके करीबन 4,40,000 रुपए लूटने की सूचना पुलिस के पास आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई। यूपी के आगरा में 2 आदमियों की जान बचाने के लिए कुछ लोग उनके पेट और सीने को जोर जोर से दबाने लगे। वहां एक मकान के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान एक आदमी और उसके 2 बेटों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। जबकि उन्हें बचाने के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे 5 लोग जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिन्हें वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और उनकी जान बचाने की कोशिश करने लगे। आई आई
इस दौरान सेप्टिक टैंक से निकाले गए एक आदमी को होश में लाने के लिए कुछ लोग उस पर बाल्टियों से पानी डालने लगे। जानकारी के मुताबिक हीरा सिंह नाम का एक आदमी कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने मकान का सेप्टिक टैंक साफ कर रहा था, जिसमें उसके दो बेटे भी उनकी मदद करने लगे। गटर आधे से ज्यादा साफ हो गया था, तभी अचानक एक आदमी गटर में गिर गया, जिसे बचाने के लिए परिवार के तीनों लोग गटर में उतरे। लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आने से हीरा सिंह और उसके दोनों बेटों की मौत हो गई। इसके बाद आनन फानन में दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला गया। ऊपर से गटर की सीट तोड़ रहे थे, पत्थर टूट गया, अंदर चले गए, एक को बचाने, दूसरे तीसरे तीनों चारों लोग चले गए अंदर। राहत और बचाव के दौरान दो पुलिस वाले भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक रबर गोदाम में लगी आग को हेलीकॉप्टर की मदद से बुझाया गया। मालवीय नगर में मौजूद रबर के गोदाम में मंगलवार शाम को अचानक आग लग गई, जो कि तमाम कोशिशों के बाद भी बुझी नहीं, जिसके बाद बुधवार सुबह आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई और जिसने MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से गोदाम पर पानी गिराया गया। हेलीकॉप्टर से 10 किलोमीटर दूर से बॉम्बी बकेट के जरिए पानी लाकर गोदाम में लगी आग को बुझाया गया, लेकिन इस आग में पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। पहली बार ऐसा है कि रिहायशी इलाकों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है आग को बुझाने के लिए, और आग इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भयावह आग थी ये। और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे गोदाम में अभी तपन है। गोदाम में लगी आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना दमकल विभाग के लिए मुश्किल हो गया था। आग की तेज लपटें काफी दूर से उठती हुई देखी जा सकती थी, साथ ही आग की वजह से उठने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। यहां तक कि आसपास की इमारतों को भी आग ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था, जिसके बाद सुरक्षा को देखते हुए आसपास की तकरीबन 13 इमारतों को खाली कराना पड़ा और तमाम लोगों को खौफ के साए में पूरी रात अपने घरों से बाहर गुजारनी पड़ी। जिस गोदाम में आग लगी उसके पास संत निरंकारी स्कूल है, जिसको आग ने लगभग अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त मैं रबर फैक्ट्री के अंदर हूं, जहां पर आग लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रबर फैक्ट्री को आग ने अपने आगोश में ले लिया था। पुलिस का दावा है कि गोदाम में रबर की कुछ शीट रखी हुई थी, जिनकी वजह से आग और तेजी से फैली। जब तक ये जलेगा नहीं, तब तक ये आग बुझेगा नहीं, इसका ये मतलब है। यानी पूरा जल जाएगा, कितना भी हम लोग पानी डालते रहते बुझता नहीं था ये। जब तक जलता था, गनीमत रही कि इस भयानक आग में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ और लगभग 18 घंटे की मेहनत के बाद हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बेल्जियम के लियेज शहर में एक हमलावर कुछ पुलिस वालों पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उसे मार गिराया। इससे पहले उसने दो पुलिस वालों समेत 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे एक इमारत के पास घेर लिया और सभी पुलिस वाले सावधानी के साथ हमलावर के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। तभी हमलावर इस इमारत से बाहर निकला और गोलियां चलाने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे वहीं ढेर कर दिया। इस गोलीबारी में कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। इस जगह से कुछ ही दूर पर मौजूद लोग गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगे। इसके बाद वहां सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच गईं, ताकि मुठभेड़ में जख्मी हुए पुलिस वालों को जल्दी से जल्दी मदद दी जा सके। बताया जा रहा है कि हमलावर ने पहले 2 पुलिस वालों को चाकू मारा, फिर उनके हथियार लेकर उसने वहां से गुजर रहे एक राहगीर को भी मार दिया, जिसके बाद पुलिस ने हमले वाली जगह को सील कर दिया और वहां पर फोरेंसिक जांच पड़ताल शुरू कर दी। एक चश्मदीद ने भी बताया कि ये हमला कैसे हुआ। हमले की खबर पाकर प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल के साथ बेल्जियम के किंग फिलिप भी लियेज पहुंचे और घटना पर दुख जताया। गुजरात के वलसाड में एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल से एक बच्ची गिर गई। गुजरात के वलसाड में एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल से 2 साल की बच्ची गिरने पर घायल हो गई। यूपी के बरेली में रेलवे लाइन पार करते वक्त 3 दोस्तों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। दिल्ली के पुष्प विहार में पुलिस लाइन में खड़ी गाड़ियां धूं धूं कर जलने लगी, जिस पर दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बिहार के पटना में अश्लील हरकत करने के आरोप में एक लड़की ने बुजुर्ग की चप्पल से पिटाई कर दी।
झारखंड के हजारीबाग में फर्जी डिग्री रखकर इलाज करने वाले 15 झोला छाप डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। एड्स से लेकर कैंसर तक की दवाई बनाने के नाम पर उत्तर भारत में ठगी करने वाले गिरोह का थाने क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया। कावेरी जल विवाद पर रजनीकांत के बयान से नाराज KFCC यानी कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनकी आने वाली फिल्म काला को प्रदर्शित नहीं करने का फैसला किया। काला मेहनत का रंग है, तेरे चौल में आकर देख गंदगी भी रंगीन दिखाई देगी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में करण जौहर के साथ रिलेशन की खबरों को फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने खारिज करते हुए बकवास बताया। खबर है कि बोनी कपूर बेटे अर्जुन कपूर के साथ दोबारा फिल्म बना सकते हैं, इसके लिए उन्होंने दक्षिण भारत की एक फिल्म के अधिकार खरीदे हैं। यूपी के वाराणसी में सैकड़ों बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे और नारेबाजी करने लगे। बैंक कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी की मांग को इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद देश भर के कई बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और हाथों में अपनी मांगों से जुड़ी तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। प्रदर्शन के दौरान बैंक कर्मचारियों ने IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के 2% वेतन बढ़ाए जाने की पेशकश को भी खारिज कर दिया। जो 2% का उन्होंने ऑफर दिया है कतई मान्य नहीं है, स्केल 7 तक हमारा ये वेतन पुनरीक्षण होना चाहिए। लखनऊ में भी बैंक कर्मियों ने कामकाज ठप कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी न होने पर आगे बड़ी हड़ताल करने की चेतावनी भी दी। अभी किसी भी डिपार्टमेंट ने 2% वेतन वृद्धि का ऑफर ही नहीं किया, हम लोग फिलहाल आज और कल 2 दिन की हड़ताल पर। इस दौरान उन्होंने तनख्वाह में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी को मजाक करार दिया। वहीं महीने के आखिरी दिनों में SBI और PNB सहित कई बैंकों के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से लोगों की तनख्वाह आने में भी देरी हो सकती है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कई बैंकों की शाखाओं के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। बताया गया कि IBA ने बैड लोन और NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का हवाला देते हुए 2% वेतन बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे बैंक कर्मचारियों ने मानने से इनकार कर दिया और हड़ताल पर चले गए। हड़ताल में शामिल देश भर के करीब 10 लाख कर्मचारी 15% से कम वेतन बढ़ाए जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछली बार IBA ने उनके वेतन में 15% की बढ़ोतरी की थी। मुंबई में NCP नेता नवाब मलिक कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच एक बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करने लगे। NCP ने ये प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में किया, जिसमें शामिल पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ नवाब मलिक सड़क पर बैलगाड़ी की सवारी करने लगे। इससे पहले NCP की महिला कार्यकर्ताओं ने एक जगह इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में वहां पहुंचे NCP नेता नवाब मलिक महिला कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद वहां खड़ी एक बैलगाड़ी पर चढ़ गए और उसकी लगाम अपने हाथ में ले ली। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। नवाब मलिक ने काफी दूर तक बैलगाड़ी की सवारी की, जबकि बैलगाड़ी के साथ NCP के कई कार्यकर्ता बाइक और स्कूटर लेकर पैदल चलते रहे। NCP ने तेल के दाम जल्द नहीं घटाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। तत्काल पेट्रोल डीजल की कीमतों पे नियंत्रण लाया जाए, GST के दायरे में लाया जाए, एक सीमा तय हो कि कितना टैक्स वसूला जाएगा। यूपी के मथुरा में शहीद विक्रम सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े और देशभक्ति के नारे लगाने लगे। विक्रम सिंह रविवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों का सामना करते हुए शहीद हुए थे, जिसके बाद शहीद विक्रम सिंह के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाड़पुर लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। इस दौरान वहां मौजूद हर कोई उनको आखिरी बार देखने की कोशिश करता दिखा। पुलिस और सेना की कड़ी मशक्कत के बाद शहीद के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया गया, जहां परिवार की महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ी और वहां पर हर एक शख्स की आंखें नम हो गई। शहीद के पार्थिव शरीर के साथ श्रीनगर से आए सूबेदार करण सिंह के मुताबिक 27 मई को पुलवामा में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया था। इस दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए विक्रम सिंह को गोली लगी और वो घायल हो गए। इसके बाद उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को उनके घर भेजा गया, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस
दौरान यूपी सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और चौधरी लक्ष्मी नारायण भी वहां पहुंचे और उन्होंने शहीद के पिता को 5 लाख और 20 लाख रुपए के 2 चेक आर्थिक मदद के तौर पर दिए। ये भैया ऐसा करिएगा कि पिताजी के नाम है श्री बलराम नाथ जी, जी और वाइफ के नाम है गीला नाम, उसको संभाल के रखिए। इसके अलावा शहीद के परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। विक्रम सिंह है, उनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और करारा जवाब हमारी आर्म फोर्सेस पाकिस्तानियों को देंगे। शहीद विक्रम सिंह 6 साल पहले सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हुए थे। वो अपने पीछे 1.5 साल का बेटा और पत्नी को छोड़ गए। हरियाणा में अंबाला के सर्राफा बाजार में मुंह पर कपड़ा बांधे कुछ बदमाश ज्वेलरी की एक दुकान में आदमी के साथ मारपीट करने लगे। पुलिस का दावा है कि ये साथी बदमाश लूट के इरादे से इस दुकान में दाखिल हुए और दुकानदार के साथ मारपीट करने लगे। लूट की कोशिश की ये वारदात दुकान के अंदर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि मुंह पर कपड़ा बांधे 3 बदमाश लूट के मकसद से ज्वेलरी की एक दुकान में दाखिल हुए, जिन्हें देखकर दुकान का मालिक उनके इरादों को समझ गया और बाहर की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एक बदमाश ने दुकानदार के बेटे पर पिस्तौल तान दी और उसके साथ मारपीट करने लगा। लेकिन बदमाशों के हमले के बाद दुकान का मालिक दुकान के बाहर जमा हुए लोगों को आवाज लगाकर उन्हें मदद के लिए बुलाने लगा। इतने में 2 और बदमाश दुकान के अंदर दाखिल हुए, जिनमें एक बदमाश ने दुकान के मालिक पर हमला कर दिया और उसके सिर पर पिस्तौल का बट मारने लगा। इसके बाद भी दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी और वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता रहा। दुकान के मालिक के शोर मचाने पर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे बदमाशों के हौसले पस्त हो गए और वो वहां से रफू चक्कर हो गए। सर्राफा बाजार में सरेआम हुई इस वारदात के बाद कारोबारियों ने घटना का विरोध किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर चल रहे आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप का वीडियो सामने आया है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगे इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आतंकी हथियार चलाने और हमले करने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। वीडियो में लश्कर के आतंकियों का कैंप दिख रहा है। कई आतंकी राइफल चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखे। एक तरफ से चल रही गोलियों से बचते हुए निशाने को भेदने की ट्रेनिंग भी दी गई। ये आतंकी पहाड़ों से रस्सी के सहारे उतरने और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक रस्सी से चढ़ने की ट्रेनिंग लेते भी दिखे। वीडियो में इन आतंकियों को तारों की फेंसिंग को काटकर सीमा पार करना भी सिखाया गया। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क पर खड़ा एक लड़का एक रेडियो स्टेशन के दफ्तर को निशाना बनाकर ग्रेनेड दागने लगा। ये प्रदर्शन वहां के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगो के विरोध में किया गया, जिसमें शामिल एक छात्र ने एक रेडियो स्टेशन के दफ्तर को निशाना बनाकर ग्रेनेड दागा, जिसकी वजह से वहां आग लग गई। प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों छात्रों ने एक यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर हंगामा किया। थोड़ी देर बाद प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों पर काबू पाने पहुंचे सुरक्षा बल के जवान उन पर फायरिंग करते दिखे। वहीं हंगामा कर रहे छात्रों ने भी सुरक्षा बल पर ग्रेनेड दागे। आरोप है कि इन छात्रों ने वहां की एक यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद छात्राएं डर कर भागने लगी। सुरक्षा बल के साथ हुई हिंसक झड़प में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। इस हिंसक झड़प के समय छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। संयुक्त अरब अमीरात ने केरल से फलों और सब्जियों के आयात पर रोक लगा दी। संयुक्त अरब अमीरात ने निपाह वायरस के फैलने के डर से केरल से ताज़ा फलों और सब्जियों के आयात पर रोक लगा दी है। कांग्रेस नेता सी के जाफर शरीफ और हनुमान थप्पा ने प्रणब मुखर्जी से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने और आरएसएस के कार्यक्रम में न जाने की अपील की। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि इंग्लैंड दौरे से पहले फिटनेस हासिल करने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अनिल कुंबले की अगुवाई वाली आईसीसी की क्रिकेट समिति की बैठक में टॉस को क्रिकेट का एक अहम हिस्सा बताते हुए टेस्ट से न हटाने का फैसला लिया गया। भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने जा रहे अफगानिस्तान ने अपने पहले टेस्ट मैच के लिए 16 सदस्यों वाली टीम का ऐलान कर दिया। टीम में 4 स्पिन गेंदबाजों को जगह मिली है। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने योग करने का अपना एक वीडियो शेयर करते हुए कैटरीना कैफ को फिटनेस चैलेंज दिया।
इस्लामाबाद की बहरिया कॉलेज के एक शिक्षक पर 80 छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाने के बाद इसी कॉलेज से पढ़ी अभिनेत्री माबरा होकेन ने आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर बताया कि एक संस्थान के स्नातक समारोह में उन्होंने कुछ ही घंटों में 150 लोगों से हाथ मिलाया। राजस्थान के बीकानेर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज से निकाले गए कुछ कर्मचारी धूप में छाता लेकर प्रदर्शन करने लगे। ये लोग फिर से नौकरी पर रखने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और बिना कपड़ों के ही धूप में छाता लेकर इन लोगों ने कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग पानी से भरे टब और बाल्टी में बैठे नजर आए। इन लोगों का दावा है कि बीकानेर के ECB कॉलेज ने पिछले साल करीब 150 कर्मचारियों को निकाल दिया था, जिनमें 22 कर्मचारियों को फिर से राजनीतिक सिफारिश पर रख लिया गया। 5 महीने पहले 22 कर्मचारियों को राजनीतिक सिफारिश से लगा लिया है। हमारे पास किसी की राजनीतिक सिफारिश नहीं है। ये लोग बाकी बचे कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने की मांग को लेकर नेताओं से भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जयपुर पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई हमारी सुन नहीं रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। इन लोगों ने मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। और जकार्ता में भारतीय समुदाय को PM संबोधित कर रहे। जिस गर्मजोशी से स्वागत किया वो देखते ही बनता था, और दृश्य ऐसा था किसी के भी हृदय को छू ले, इट टच माय हार्ट। साथियों, कुछ महीने पहले ही हमने सभी 10 आसियान देश के मुखियों के साथ भारत का गणतंत्र दिवस मनाया था। आसियान में इंडोनेशिया सबसे बड़ी जनसंख्या का एक बहुत ही अहम सदस्य है। मैं राष्ट्रपति विडोडो का आभारी हूं कि उन्होंने हमें तब उनके आतिथ्य सत्कार का अवसर दिया। और यह संयोग मात्र नहीं है कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। साथियों, बीते 4 वर्षों में 125 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में दुनिया में जहां जहां भी जाने का मुझे अवसर मिला, मेरा प्रयास रहा कि जहां भी जाऊं आप जैसे उन लाखों बंधुओं और बहनों से मिलूं जिनका मूल भारत भूमि में है। इस दौरान मेरी जितनी भी बातचीत हुई उसमें एक बात बहुत ही समान रही, और वो बात है मां भारती के प्रति अटूट श्रद्धा, अपार सम्मान। यहां इंडोनेशिया में भी यही भावना कुट कुट करके भरी पड़ी है, और मैं यहां देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, एक वाइब्रेंसी फील हो रही है। इंडोनेशिया के प्रति आपकी जितनी भक्ति है उतनी ही प्रबल भावना अपनी जड़ों से जुड़ने की भी है। आप में से अधिकांश इंडोनेशिया के नागरिक हैं, लेकिन हृदय के एक कोने में कहीं न कहीं भारत भी बसा हुआ है। साथियों, हमारा संस्कृत और संस्कृति का रास्ता है, और आप सभी जो यहां इंडोनेशिया में आज
रच बस गए हैं। मैं समझता हूं ये हमारे रिश्तों की एक बहुत मजबूत कड़ी है। आप में से यहां कई लोग तो ऐसे हैं जो चार पांच पीढ़ियों से यहां है, ऐसे भी तमाम लोग हैं जो बीते दो तीन दशकों में भी यहां आए हैं। आज आप में से कोई कपड़े के कारोबार से जुड़ा हुआ है, तो कोई स्पोर्ट्स के सामान का व्यापार कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई कंसल्टेंट है, कोई सीए है, तो कोई बैंकर है, तो कोई आध्यात्मिक गुरु भी है। भारत से ही संबंध रखने वाले श्री गुरुनाम सिंह जी ने 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स में इंडोनेशिया के लिए मेडल भी जीता था। मुझे बहुत प्रसन्नता भी है और गर्व भी कि अपने तप से, कठिन परिश्रम से न सिर्फ आप सभी ने यहां के परिवेश के अनुकूल बनाया, बल्कि आज आप इंडोनेशिया के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। साथियों, एक दौर वो भी था जब आपके पूर्वजों को अलग अलग परिस्थितियों की वजह से भारत छोड़ना पड़ा था। आज एक दौर वो भी है जब दुनिया भर में भारत की मजबूत पहचान बनी है। क्या आप लोग भी ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? अनुभव करते हैं? पहले की तुलना में सीना तान करके चल रहे हो, आंखें मिला के बात कर रहे हो, दुनिया का हर नागरिक आपकी तरफ गर्व से देख रहा है। बस यही बदला हुआ हिंदुस्तान है। पिछले चार वर्षों में भारत ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका अदा की है। आज भारत दुनिया की सबसे ओपन इकोनॉमीज में से एक महत्वपूर्ण इकोनॉमी है। भारत में रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेश हो रहा है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग $300 बिलियन से बढ़कर अब $400 बिलियन के पार पहुंच गया है। ग्रीन फील्ड एफडीआई को आकर्षित करने वाला भारत दुनिया का नंबर वन देश बन गया है। एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत टॉप टू इमर्जिंग मार्केट में से एक है। अब 40 पर पहुंच गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी भारत
142 से 100 नंबर पर आ चुका है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 19 अंकों का सुधार हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 21 अंक उछली है। अंकताड़ की रिपोर्ट में भारत को भविष्य की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में टॉप 3 में रखा गया है। पिछले 14 वर्षों में पहली बार, इसमें याद रखने वाली बात है, पिछला 14 वर्षों में पिछले 1400 वर्षों में पहली बार मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है। मूडीज ने, मोदी ने नहीं। भाई और बहनों, भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहीं इंडोनेशिया में भी लोकतंत्र की जड़ें बहुत ही मजबूत हैं। यही कारण है कि जिस प्रकार 125 करोड़ भारतीयों ने मुझ जैसे एक साधारण नागरिक को प्रधान सेवक बनने का अवसर दिया, वैसे ही इंडोनेशिया की जनता ने भी विडोडो जी जैसे व्यक्ति को अपना राष्ट्रपति चुना। साथियों, भारत और इंडोनेशिया सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता और सद्भाव के प्रतीक है। यहां अनेक भाषाएं, बोलियां हैं, सैकड़ों समुदाय रहते हैं, तो भारत में भी हम उस कहावत को नहीं भूल सकते। और वो कहावत एक प्रकार से सदियों की हमारी जीवन की विरासत है। और हमारी यहां कहावत है, यहां जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उस कहावत को भली भांति जानते होंगे, कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। यानी एक एक कोस पर पानी का टेस्ट बदल जाता है और चार कोस के बाद भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। मैंने कहीं पढ़ा है कि इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप में 1700 साल पहले के अवशेष हैं जो भारत के साथ संबंधों के जीते जागते सबूत हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही मैं ओडिशा के कटक में था और वहां पर जिस मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ था उसका नाम था बाली जात्रा। और बाली जात्रा का मतलब क्या है आप भली बातें जानते हैं, इंडोनेशिया के बाली की यात्रा। सैकड़ों वर्ष पूर्व उड़ीसा के महान नाविक कटक से निकलकर ही जावा, सुमात्रा और बोर्नियो तक आते थे। आज भी हर साल अक्टूबर नवंबर में ओडिशा में बाली यात्रा का बहुत ही शानदार, बहुत ही धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। इंडोनेशिया का गुजरात के साथ भी बहुत पुराना नाता रहा है।
जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो एक बार मुझे किसी ने कहा था कि 12th सेंचुरी में 12वीं सदी के आसपास गुजरात में कच्छ में रहने वाले जो मुसलमान थे वो वहां से निकले, उनमें से काफी यहां इंडोनेशिया में भी आकर बसे और उन लोगों के साथ गुजराती भाषा, गुजराती खान पान ये भी इंडोनेशिया में पहुंच गया। और मुझे बताया गया है कि बुबुर गुजरात